संसार को जीत कर जब बौद्ध गया में उत्पन्न हुआ, अब संसार भी उसके लिए बोना हो गया, मैं उसका शिष्य। और यही उपदेश सुना और सम्राट से अपनी तलवार छोड़ दी। आज अशोक विजयदशमी के पर्व पर समता आवाज़ टीवी की टीम पहुंची है अयोध्या, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में, बुद्ध नगरी साकेत नगरी अयोध्या में। आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं समता आवाज़ टीवी के माध्यम से, और एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन अयोध्या की इस बुद्ध भूमि पर किया गया है। और आप देख सकते हैं किस तरह से जो लोग हैं बुद्ध को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, एक एक करके वो आ रहे हैं व्यवस्था से भरे हुए। ऊपर आप देखेंगे तथागत बुद्ध, सम्राट अशोक, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का विशाल चित्र, और एक पूरा सजा हुआ स्टेज मंच आपको दिख रहा है जिसमें महापुरुषों की तस्वीरें, तथागत बुद्ध, सम्राट अशोक, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अयोध्या के ये वासी जिन्होंने आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को आयोजित किया है। जैसा कि मैंने पहली वीडियो में बताया था आपको कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, तो ये वही इतिहास है जो अपने आप को दोहरा रहा है। मंच के बिल्कुल सामने मैं आपको लेकर चल रहा हूँ जहाँ पर भारत का संविधान, भारत का वो विशाल संविधान है जो विश्व में लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा संविधान माना जाता है, और इसको लिखने और इसको आकार देने का जो काम डॉक्टर अम्बेडकर ने किया वही इस तस्वीर में आपको झलक रहा है। जब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान को बना लिया, उसके बाद उन्होंने संविधान सभा को संविधान को समर्पित किया, तो ये वो तस्वीर है ऐतिहासिक जो आप जब कभी भारत के संविधान की बात होती है, चर्चा होती है, तो यह तस्वीर अनायास ही सभी लोगों को दिखने लगती है। कुछ और साथी हैं, उन लोगों से चर्चा करेंगे कहाँ कहाँ से साथी पहुँचे हैं। माता रमाबाई अम्बेडकर का फ़ोटो यहाँ पर लगाया गया है, और मैं दिखाऊं कि जहाँ से जब कार्यक्रम में आते हैं तो तमाम जो बहुजन समाज के जो महापुरुष हैं जिन्होंने इस हाथी जैसे समाज को आगे बढ़ाने में, तरक्की करने में योगदान दिया है, वीरांगना उद्दा देवी पासी हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं जिनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, अशफाक उल्ला खान साहब, जगदेव सिंह कुशवाहा साहब, भगत सिंह जी, और ये ऐतिहासिक तस्वीरें हैं, पार्वती फार्म हाउस, देवकाली तिराहा, अयोध्या की, अपने आप में एक बेहतरीन और बहुत ही विशाल कार्यक्रम है। आप देखिए गाड़ियों की लाइन कितनी भीड़ है, और इस पर क्रांतिकारी भंते वीराचार्य जी जो संबोधि विधिहार चंदौली, और पूज्य बनते आर्यवन जी कपिल वस्तु से आज उनका मुख्य धमदेशना यहाँ से होगी। वो अपने धमदेशना से एक दिवसीय जो धम समागम है उसको संबोधित करेंगे, और ये सीधा ऊपर आप देखें कितना सुंदर एक पोस्टर है जिस पर तमाम सभी लोग जो के कार्यक्रम के आयोजक हैं उनकी जो फोटो हैं, तस्वीरें हैं, तथागत बुद्ध हैं, महात्मा ज्योतिबा फुले हैं, उधम सिंह हैं, संत शिरोमणि रविदास जी हैं, संत कबीरदास जी हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज की फ़ोटो लगी है, दशरथ मांझी की फ़ोटो लगी है, जगदेव सिंह कुशवाहा जी की फ़ोटो लगी है, सावित्रीबाई फुले जी की फ़ोटो लगी है, चंद्रूप मौर्य की फ़ोटो लगी है। ये तमाम वो हमारी बहुजन विरासत के महापुरुष हैं जिन्होंने अब तक इतिहास के पन्नों में दर्ज है किस तरह से इस बहुजन समाज को आगे बढ़ाया जाए, कैसे इस बहुजन समाज को मुख्य धारा में शामिल किया जाए, उसको लेकर इन लोगों ने काम किया है। और जैसे जैसे कार्यक्रम की समय होता जा रहा है उसी तरीके से लोगों का आना जाना भी बढ़ता जा रहा है। एक बड़ा विशाल कार्यक्रम है, और आप देखेंगे किस तरीके से महिलाएं पुरुष यहाँ पर इस कार्यक्रम में बाबा साहब के, सम्राट अशोक के, तथागत बुद्ध के चित्रों पर माल्यार्पण कर रहे हैं। सीधी तस्वीर आपको समता आवाज़ टीवी से आज के इस ऐतिहासिक अशोक धम्म दिवस के उपलक्ष्य में आपको दिखा रहा हूँ। सहयोगी संतोष अम्बेश के साथ एक बार दिखाइए महिलाएं किस तरह से जो धम्म दिवस के अवसर पर एक दिवसीय धम्म समागम
बात है, अगर किसी जात धर्म व्यक्ति विशेष को किसी बात से तेज पहुंचता है तो हमारी पूरी टीम क्षमा चाहती है। एक जाति विहीन देश की देश का निर्माण हो ऐसा सम्राट अशोक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे, उसी को लेकर मंच से भी ये कहा जा रहा है। तमाम ये साथी हैं जो आज के इस कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं और लगातार मैं आपको सुबह से यहाँ की तस्वीर दिखा रहा हूँ। कार्यक्रम किस तरह का रहेगा वो दूसरी वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक विजयदशमी का आज का ऐतिहासिक दिवस और मेरे साथ बड़े क्रांतिकारी बौद्ध भिक्खु बनते विनाचार्य जी जो आज के इस कार्यक्रम में धमदेसना से लोगों को अवगत कराएंगे आज के इस दिवस की क्या ऐतिहासिकता है। लेकिन उससे पहले हम चाह रहे हैं कि बनते जी हमारे दर्शकों के लिए भी कुछ आज के इस ऐतिहासिक दिवस पर कुछ देशना दें। बनते पहले तो बंदा मैं आपको, ये दिवस है हिंसा पे अहिंसा की धम की विजय। सम्राट अशोक एक ऐसा नाम था भारत का जो सम्राट ही नहीं चक्रवर्ती हुआ। सम्राट तो वो होते जो किसी एक राष्ट्र के राजा होते हैं और चक्रवर्ती वो होते जिसके अधीन कई राष्ट्र हो जाते हैं और वो भी चारों दिशाओं में। इतना शक्तिशाली और इतना ताकतवर जिसने भारत के नहीं अखंड भारत के अधिकांश भाग पर अपना राज्य स्थापित कर दिया। और एक वो दिन आया कलिंग का जिसको जीतने का ख्वाब सम्राट अशोक ने नहीं, बिंदुसार ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने और भी जाने कितने राजाओं ने देखा कि कलिंग को जीत लिया जाए। और सम्राट अशोक अंत में वो ख्वाब पूरा करने के लिए कलिंग पे युद्ध करने की घोषणा करते हैं। युद्ध भी हुआ और युद्ध 9 दिन चला और 9 दिन युद्ध में सेना मारी गई। तब सम्राट अशोक को ज़्यादा पीड़ा नहीं हुई, सेना मारी गई। पर 10वें दिन ऐसी घटना घटी कि सेना के मरने के बाद कलिंग के रहने वाले निवासी, नौजवान, महिलाएं, बुजुर्ग और अंत में कलिंग के धर्मगुरु बौद्ध भिक्षु भी उस युद्ध भूमि में पहुंचे। और निडरता से जब वो भिक्षु उस युद्ध भूमि में पहुंचे तो सेनापतियों ने तलवारें रोक दी। सम्राट अशोक को सूचना करी कि युद्ध भूमि नहीं है, युद्ध तो समाप्त हो गया और राष्ट्र का बच्चा बच्चा युद्ध भूमि में आ गया, तो सम्राट जीत भी लोगे तो रहोगे किसके साथ, कोई बचेगा ही नहीं। हाँ, तो पूरा राष्ट्र युद्ध भूमि में आ गया है। जब ये बात सम्राट अशोक ने सुनी उसके पैरों तले ज़मीनें खिसक गई, क्योंकि ऐसी युद्ध भूमि जहाँ सेना तो चली गई, सेना के बाद राष्ट्र के हर लोग आ गए, बच्चे भी आए, नौजवान भी, महिला भी, बौद्ध भिक्षु भी आ गए। तो सम्राट अशोक उसी रात चल पड़ा और वो नज़ारा देख कर वह हैरान था। उसने जो कलिंग की एकता देखी, अखंडता देख ली, वो साहस देखा, वो एक दूसरे की प्रति वफादारी देखी, अब उससे रहा नहीं गया। सम्राट सोचने लगा मैं युद्ध जीत ही नहीं रहा, ये तो हार चुका। तो सम्राट अशोक ने वहाँ एक कहते कि चीवर में छोटा सा भिक्षु उसके चेहरे को देख रहा। सम्राट अशोक उसके पास गया और उससे पूछा कि तुम्हें इतना रक्त बहता हुआ, इतने लोग मारे गए, इसे देख कर डर नहीं लग रहा? तो वो बौद्ध भिक्षु कहता है डरता तो वो है जिसे अभी जिंदगी में जीत हासिल नहीं हुई, डरता वो है जिसे जिंदगी में अभी जीत हासिल नहीं हुई। सम्राट अगर तुझे जीत हासिल होती तुझे बार बार युद्ध करने ना पड़ते, अभी तूने पहले स्वीकार कर लिया तू हारा हुआ है, इसलिए जीतने की आकांक्षा से रो हर बार युद्ध करता है। मैं तो जीत चुका हूं अपनी इंद्रियाओं को, अपनी इच्छाओं को, तृष्णाओं को, अब किसका डर मुझे, अब ना एक का डर ना 100 का डर। सम्राट ने कहा यह शिक्षा कहां से पाई? तो उसी भिक्षु ने कहा यह शिक्षा मेरे शास्त्र तथागत की है। वो आपसे बड़ा सम्राट था पर वो सब कुछ छोड़ के संसार को जीत कर जब बौद्ध गया में उत्पन्न हुआ, अब संसार भी उसके लिए बोना हो गया, मैं उसका शिष्य। और यही उपदेश सुना और सम्राट अशोक ने तलवार छोड़ दी कि मैं तो हारा हुआ, तलवार छोड़ी और उसने प्रण लिया कि अब मैं इसी संदेश का निरंतर जीवन भर इसी का प्रयास करूंगा कि लोगों में वास्तविक जीत पैदा हो जाए, यह अहंकार की जो झूठी जीत हैगी इससे लोग मुक्त होकर जीवन की वास्तविक जीत को पाए। उसी के उपलक्ष्य पे ये कार्यक्रम
आयोजित किया जा रहा है और ये अयोध्या का द्वितीय धम्म समागम हैगा। ये 2023 में पहला होगा, 2024 में दूसरा हो रहा और कोशिश है हमारे कि निरंतर अयोध्या में ये कारवा बढ़ेगा और जो बुद्ध की धरोहर थी अयोध्या में, हम कोशिश करेंगे 2025 या 26 में इस देशवासियों के लिए एक नई घोषणा कर एक खुशखबरी की कि अयोध्या में एक विशालकाय बुद्ध विहार की नींव भी रखी जाएगी। उसी के प्रयास में ये छोटा सा कार्यक्रम द्वितीय धम्म समागम आयोजित किया गया। ये सम्राट अशोक और बाबा साहब अम्बेडकर को समर्पित कार्यक्रम है। साथियों, बंते जी के विचार से कैसा लगा? साकेत, फैजाबाद, फिर अयोध्या, अब क्या अयोध्या पुनः फैजाबाद छोड़कर साकेत की तरफ मुड़ रही है? बने रहें समता आवाज़ टीवी के साथ इस सवाल के साथ। धन्यवाद।